क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। MIM पार्टी टोरेंट और महावितरण के खिलाफ 1 तारीख को जो है भूख हड़ताल करने वाली थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिला है, जिसके ताल्लुक से आज MIM पार्टी के ऑफिस पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शैफ पठान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें जो परमिशन नहीं दी गई है, क्या वजह उसकी रही, क्यों नहीं उन्हें परमिशन दिया गया। सर भाई, आप लोग 1 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, क्या आखिर ऐसी वजह रही जो आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई? देखिए, भूख हड़ताल पर बैठने के लिए 4 विभाग की यानी NOC होना जरूरी है। उसमें से 3 विभाग ने हमको NOC दे दिया, हमको मुमरा प्रभाग समिति के बांधकाम विभाग ने दे दिया, हमको फायर ब्रिगेड ने NOC दे दिया, ट्रैफिक विभाग ने NOC दे दिया, लेकिन मुमरा पुलिस जो है वो हमको पिछले 4 दिन से टाल मटोल करती रही, हमको बुलाते रहे, हमसे बात करते रहे। पहले उन्होंने बताया कि कितने लोग बैठेंगे, तो हमने बताया कि 20 लोग हमारे भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हमारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 20 लोग नहीं बैठ सकते, कोरोना का पैंडेमिक पीरियड है। हमने उनकी रिस्पेक्ट करी, हमने कहा ठीक है सर, हम 20 लोग के जो नाम है हमारे दे देते हैं, आप उसमें से हमको बोल दीजिए कितने लोग बैठना आप अलाउ करोगे, हम बैठेंगे, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 ही हम परमिशन दे सकते, तो हमने उस पर भी एग्री करा। हमने 20 से 5 जन का ऑलरेडी नाम काटा और हमने 15 जन की लिस्ट दी उनको कि हम 15 लोग इसके टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे शहर से। तो उन्होंने हमको 5 जन का नाम देने की बजाय 3 दिन हमको बुलाते रहे, और सैटरडे के दिन दोपहर में 4 बजे वलटकर साहब ने हमें बुला करके ये बता दिया कि हमारी परमिशन डिनाई कर दी गई है। हमको ऐसे टाइम पे डिनाई करके दिया गया कि उसके बाद कंटिन्यू 2-3 दिन जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज है, हम यानी ना कोर्ट मूव कर सकते ना कुछ कर सकते, और 1 तारीख आ जाएगी उसके बाद। तो इंशाल्लाह ताला अब हम कल DCP सर से मुलाकात करेंगे इसके खिलाफ। हम जो हमको NOC मिली है ऑलरेडी बाकी विभाग की, हम वो सबमिट करेंगे कि सर हमारे पास NOC, आपने रीज़न बताया कि आपको NOC नहीं मिली वहाँ की, तो वो NOC उनका काम था आपको पहुँचाना, फिर भी हम आपको पहुँचा रहे, हमको परमिशन दी जाए, हम 1 तारीख से बैठे, और अगर वहाँ से भी अगर हमारी परमिशन कभी डिनाई होती है तो हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, और ये मंथ में ही हम भूख हड़ताल करेंगे, 1 को नहीं तो सही 10 को सही 10 को नहीं तो 15 को सही। तीन विभाग ने आपको जो है दे दिया परमिशन, लेकिन पुलिस विभाग आखिर क्यों नहीं दे रही है, खास वजह क्या है इसका? देखिए, पुलिस विभाग हमेशा हमारे साथ परमिशन देने में कुछ ना कुछ आनाकानी करती रही है। आप जैसे देखोगे कि ये टोरेंट के खिलाफ हम लोगों ने पिछले महीने पैदल मार्च किया था, उस वक्त भी परमिशन देने काफी इशू हो रहा था, तो हमको ये बोला गया कि 10 से 12 लोग ही जा सकते हैं। हमने उनकी वहाँ भी रिस्पेक्ट रखी, हमने 12 से 14 लोगों को लेकर के, जो उन्होंने 12 से 15 का बताया था, हमने 12 से 14 लोग को ही लेकर के पैदल मार्च किया पूरे शहर में और जाकर के मेमोरेंडम दिया। उसके बाद यानी वही सेम काम हमने देखा कि NCP ने करी यहाँ पर, तो उनके 100 से 200 लोग थे, तो उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। उसके बाद हम कोई भी परमिशन लेने जाते, जैसे बीच में मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए हमने परमिशन मांगने की, तो हमको ये बोला गया कि सिर्फ 4 जन की परमिशन मिलेगी, मैं तो परमिशन नहीं मिलेगी। हमने वो 4 जन की परमिशन नहीं ली कि हमने कहा सर इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों हम पे, और मैंने उसके 2 दिन बाद देखा तो वही काम NCP के लोग वहाँ पर 300 लोगों को लेकर कर रहे थे। तो इस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब यानी हमारी एक बहन का मामला हुआ, तो उसके लिए NCP वालों ने कैंडल मार्च निकाला, तो करीबन 250 से 300 लोग, आपके रिपोर्ट के माध्यम के जरिए मैंने देखा कि 250 से 300 लोग ने एम गेट से लेकर के मुमरा पुलिस चौकी तक आते पिछले हफ्ते में। तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा, उनको परमिशन है? हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आवाम के लिए भूखे रह रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर बैठ करके भूख हड़ताल करके पीसफुली एक जगह पर बैठ करके हम भूख हड़ताल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी परमिशन नहीं है आपकी तरफ से, बाकी कह देने की परमिशन है आपकी तरफ से। तो ये कहीं ना हमारे साथ यानी सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन की तरफ से, जो यानी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उनके वरिष्ठ से मांगनी करेंगे इंशाल्लाह ताला, देखिए क्या होता है आगे। NCP पार्टी से भी धरना आंदोलन किया गया था, मतलब ये टोरेंट के लिए, फिर उसके बाद NCP वालों ने ही कैंप लगा दिया था, तो इससे क्या मतलब होता है, मतलब इन बातों का क्या सीधा इशारा है? देखिए, NCP कहीं ना कहीं टोरेंट के फेवर में है, हम आपको पहले से बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है टोरेंट आने के पहले से ही उसके खिलाफ में है। आपने देखा होगा हमने पिछले साल ही भूख हड़ताल करी थी, जिसके चलते टोरेंट 1.5 साल पोस्टपोन्ड हुआ, नहीं आया शहर में, और जैसे ही यानी यहाँ के जो MLA है वो मंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बनती है, रातों रात टोरेंट शहर में आ जाती है। तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी NOC बिना टोरेंट नहीं आ सकती थी, वो टोरेंट के फेवर में। और जो कैंप लगाने का आप बता रहे हो ना, देखो हर तरफ हर शहर में
इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, चाहे वो दीवा हो चाहे वो कलवा हो, वहाँ के नगर सेवक लोग जो है, वहाँ के जो यानी सोशल वर्कर है, सब अपील कर रहे हैं कि आप बिल ना भरे, आप बिल ना भरे करके अपील की जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे शहर के एक नगर सेवक कैंप लगाते हैं और वो कैंप के जरिए यहाँ पर टोरेंट की वसूली करवाते हैं, बिल भरवाते हैं लोगों से। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसा टोरेंट को फेवर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो अभी आप लोग का एक तारीख का जो परमिशन नहीं मिल रहा है, आप लोग आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम लोग यानी अगर जो परमिशन मुंबरा पुलिस स्टेशन से नहीं मिला और जो रीजंस उन्होंने हमको बताए वो कोई भी रीजंस वैलिड नहीं रहते हमारी भूख हड़ताल को रोकने के लिए। पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे छीना नहीं जा सकता, हम भूख हड़ताल कोई भी उसके लिए कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिख कर दिया कि पैंडेमिक पीरियड है, कोरोना का है, तो उसमें ऑलरेडी मुंबरा ग्रीन जोन में अगर कोई इवेंट्स हमको करना है तो हमको परमिशन मिल सकती 50 से 100 लोगों की। उसमें भी हम 4 लोगों की या 5 लोगों की परमिशन दे रहे थे और कुछ लोग जमा हो गए, उसकी परमिशन आपने कैसा डिनाई किया? फिर आपने रीजन बताया कि हमारे भूख हड़ताल पे बैठने से तो यहाँ पर ट्रैफिक विभाग को परेशानी हो सकती है। तो ट्रैफिक विभाग ने ऑलरेडी NOC दे दिया है, तो उसके लिए आप क्यों फिक्र कर रहे? आप कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट के चलते आप लोग मना कर रहे, हम उसके खिलाफ कोर्ट मूव करेंगे। अगर हमारे को DCP साहब से भी राहत नहीं मिली तो हम कोर्ट मूव करेंगे, हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आपने जो यहाँ के पुलिस अधिकारी से बात की, क्या नाम है पुलिस अधिकारी का जिसने आपने बात की? देखिए, हम मुझे यहाँ के जो सीनियर है कड़ साहब, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि 4 से 5 आदमी की परमिशन देंगे, हमने उस पर एग्री कर दिया था और वो परमिशन दे भी रहे। सडनली वो छुट्टी पे चले गए और फिर हम लोगों को वलटकर साहब के पास भेजा गया, जो हर वक्त यानी हर मुद्दे पे हम लोग को कहीं ना कहीं आकर के टाल मटोल करते हैं हर मुद्दे पे। जब हमारा कोई काम नहीं करवाना होता, जैसे हमको पता चला कि वलटकर साहब से बात करना, हम समझ चुके थे कि कैंसिल होगी, और वो हमको बुला करके बात भी वैसी कर रहे थे कि मैं टोरेंट वालों से तुम्हारी बात करवा देता हूँ, इसको कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो। पहले ही उन्होंने हमको बोलना शुरू करा, 2 दिन हमको बुलाया, 3रे दिन उन्होंने कैंसिल का लेटर दे दिया। जिस तरीके से आपको टाला जा रहा है या भूख हड़ताल के लिए, तो आप अवामों का किस तरीके से साथ दोगे इसमें? देखिए, भूख हड़ताल के लिए टाला जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और हम भूख हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने कहा आपको कि 1 तारीख की जो भूख हड़ताल है वो पोस्टपोन्ड हुई है, अगर परमिशन नहीं मिला तो हम उसको पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे। हम इसी मंथ में भूख हड़ताल पे इंशाल्लाह ताला बैठेंगे। और ये भूख हड़ताल के जरिए तो अंग्रेजों को भगाया गया इस देश से, तो टोरेंट तो बहुत छोटी चीज़ है, इंशाल्लाह ताला हम इसको यहाँ से वापसी का रास्ता दिखा के रहेंगे। शालम भाई, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे सदर हमारे बोला अभी आप लोग से कि हम लोग इसके लिए आगे जाएंगे और ये हम लोग कैंसिल नहीं करने वाले, इंशाल्लाह आज नहीं कल जब भी परमिशन मिलेगा हम लोग भूख हड़ताल को करके रहेंगे, टोरेंट के खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारी पहले दिन से हमारी कोशिश है, जब टोरेंट आ रही तब से MIM टोरेंट के अगेंस्ट में थी, आज भी अगेंस्ट में और कल भी अगेंस्ट में रहेगा, और जब तक हम लोग ये कर नहीं लेंगे हम लोग इसके खिलाफ में ही रहेंगे। जैसे कि साहब पठान ने अभी बताया है कि जो पुलिस स्टेशन के वलटकर हैं उनके पास कोई भी चीज़ आप लोगों की जाती है तो आप लोग महसूस हो जाता है कि कैंसिल हो रहा है, बाकायदा वैसा ही हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या राजनीति हो रही है इसमें भी लेकर, या फिर अलग ही कुछ मामला? नहीं, बिल्कुल राजनीति। देखिए, आपको सब मालूम है कि हमने इससे पहले भी 2 बार परमिशन मांगा था, तब भी इन लोगों ने हमको कभी 8 का परमिशन दिया, कभी 12 का दिया। और यही सत्ताधर पार्टी जब वही प्रोग्राम करती तो उनको 300-400 लोग जाते, उनके ऊपर कोई खिलाफ कोई चार्ज नहीं होता, कोई कानूनी नहीं। पुलिस ऑफिसर से आपको पूछना चाहिए ना ये बात। नहीं, बिल्कुल, हमारे सत्ताधारी पार्टी को इतने लोग जाते हैं, पूछे हमें क्यों नहीं देते? सदर साहब हमारे जो अध्यक्ष थे साहब पठान साहब, उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनसे बात भी की। हाँ, मैंने कहा जब मुझे 4 जन की परमिशन के लिए बोला जा रहा था तब मैंने साफ बताया कि बोला सर आप मुझे परमिशन कर्ड साहब को बताया मैंने, सर आप मुझे परमिशन के लिए क्यों मना करते हो? अभी पिछले हफ्ते यानी 300 लोगों का मॉब निकला तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं मना किया जाता? तो बोले आप, उनने बोले कि आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, आप ऐसा बता। बोला इल्जाम नहीं लगा रहा सर, जो दिख रहा है वो बता रहे हम। तो हम कहीं ना कहीं देखिए ऑब्जेक्शन होता है और हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा राइट से बोलना हम बोलेंगे। हमने बताया कि साहब ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा हमारी तकलीफ समझिए और रिक्वेस्ट की उन्हें, तो हमने एग्री भी किया कि चलो ठीक है आपको तकलीफ हो, हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते, हम जनता के लिए काम करना चाहते, हम 5 ही लोग बैठेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये खेल कर दिया गया। तो अभी क्या लग रहा है आप लोग का जो ये आंदोलन था ये आगे होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। हमने आपसे क्या बोला कि जब अभी कल हमारे कमी से मिलेंगे, हम लोग DCP साहब से मिलेंगे, ACP साहब से मिलेंगे, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमको यहाँ से परमिशन मिल जाएगा। अगर यहाँ से परमिशन नहीं मिलता है तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लाएंगे, 4 दिन 8 दिन 10 दिन। लेकिन इस बार हम लोग पूरा ठान के बैठे, जब परमिशन मिलेगा तब हम लोग बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे तो बैठेंगे और टोरेंट के खिलाफ ही बैठेंगे चाहे कुछ भी जाए इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप एक एडवोकेट है और जिस तरह से पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, 3 विभागों का परमिशन मिल चुका है,
तो क्या कोरोना के तहत ये ठीक लग रहा है आपको कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो पुलिस ने जो कदम उठाया है वो सही है या गलत है? देखिए, उनके उन्होंने जो परमिशन नहीं दिए, जो कैंसिलेशन लेटर दिया है, उसमें दो तीन रीज़न डाला है। जैसे कि यहाँ पे उनको डर लग रहा है कि ट्रैफिक का एनओसी मिला हुआ है, उनको कोविड का इशू लग रहा है, तो पहले से हम लोगों ने बहुत लिमिटेड नंबर्स में परमिशन मांगी थी और मुमरा एक ग्रीन जोन में है, तो लिमिटेड नंबर्स में ही हम लोग करने वाले थे। कि चार लोग बोलेंगे तो चार ही बैठे। हाँ, जो हमको जितना लिमिटेड ही हम बैठने वाले थे, तो और सोशल डिस्टेंसिंग और सारे गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए। तीसरा जो उन्होंने रीजन डाला कि कुछ रिक्वायर्ड एनओसी बाकी डिपार्टमेंट से उनको नहीं दी गई है, तो वो एनओसी भी हमारे पास है, हम उन सबके साथ हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। हम आगे मुलाकात करने वाले हैं एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से मीटिंग करने वाले हैं, और इंशाल्लाह परमिशन लेके हम अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे। और इनके से अगर वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली तो हम कोर्ट मूव करेंगे, कोर्ट से हम परमिशन लेके धरना को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से टोरेंट महावितरण के खिलाफ जो है भूख हड़ताल होने वाला था, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से जो है इन्हें परमिशन नहीं दिया गया। हालांकि इन लोगों का कहना है कि वो आगे डीसीपी एसीपी से इस बारे में संपर्क करेंगे, और बहरहाल इनका जो भूख हड़ताल है वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो इसी महीने में, इनका कहना है कि इसी महीने में वो जो है महावितरण टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।